सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एट क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। दी हुई चाप एसी पर बिंदु एफ से स्पर्श रेखा खींचो। तो आपके पास एक चाप दी हुई है, इसका नाम है एसी। आपने एक चाप लेनी है। एक्चुअल में ये चाप दी हुई जो होती है वो हल्की लाइन से होती है। आपका बुक में जो दी हुई है वो डॉटेड है, तो जो दी हुई चीज़ है वो आपकी हल्की होती है। तो मैं इसको हल्के में ही ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसके मैं नाम दे देता हूँ ए और सी। अब ये क्या कह रहा है कि इस ए सी चाप पर एक पॉइंट दिया हुआ है एफ, और आपने क्या करना है एफ पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ पर प्रकार करके जो ये रेख आपकी चाप आ रही है इससे थोड़ी कम चाप लगा करके आपने डॉटेड चाप इस तरह से लगानी है। ये आपकी सहायक रेखाएं हैं। अब आपकी डॉटेड लाइनें आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये चाप को मिला देंगे। जहाँ पे ये कट रही है, यहाँ पे कट रही है, इसको मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। इस तरह से, और इस चाप का हम नाम, लाइन का हम नाम दे देते हैं ई डी, जहाँ पे ये कट रहा है। अब हमने क्या करना है, ई पॉइंट जो आपका है यहाँ पे हमने प्रकार रखना है ई पॉइंट पर, और एफ से हमने एफ जिन्नी प्रकार खोल के, ये देखिए नीचे को हमने चाप लगानी है। जहाँ पे एक चाप कटेगी इसका नाम हम दे देते हैं पी, और ये जो हमने एफ से चाप लगाई थी इस चाप को हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देंगे ऊपर को इस तरह से, और हमने पी एफ जितनी प्रकार खोलनी है। ये हमने पी एफ जितनी प्रकार खोल ली है, ये आप देख सकते हैं। ई से हमने इस चाप को यहाँ पे काट देना है, जहाँ पे जितना ये कट रहा है इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एन। हमने एफ और एन को आपस में मिला देना है। ये चाप की स्पर्श रेखा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपकी दी हुई चाप ए सी पर बिंदु एफ से स्पर्श रेखा है। अगला आपका है प्रश्न नंबर 17। दिए हुए वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचो जिन्हें जब परस्पर काटे तो दिए हुए कोण x के समान कोण बनाए। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, वो है एक वृत्त। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वही ले लेते हैं। तो हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, हम वृत्त ले लेते हैं, ये हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, ये आपका वृत्त का पॉइंट है, इसका नाम हम दे देते हैं ओ, ये आपका पॉइंट है। और आपके पास और क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये जो कोण है जब आप इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो इसी कोण के बराबर आनी चाहिए जितना ये कोण होगा। ये आपका कोण है, और इस कोण को हम माप देते हैं, इस कोण का नाम हम दे देते हैं x को, यह x कोण है। अब हमने क्या करना है, जो आपका ये वृत्त है इस पे हम एक व्यास खींचेंगे, ये इसको बोलते हैं व्यास, इसके हम नाम दे देते हैं a और b। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ए पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे,
बॉम्बे डिग्री का कौन आप सबको आता ही है। इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अभी हम इसको हल्की लाइन से दर्शाएंगे, बाद में हम इसको डार्क कर देंगे। और हमारे पास जो एक कोण दिया हुआ है एक्स, हम इतनी प्रकार खोलेंगे और हमने ओ पॉइंट पर प्रकार रखनी है। यहाँ पे हमने चाप लगानी है और जितना ये कोण बड़ा हमारा है इतना है, इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे चाप लगा देनी है और हम इसको काट देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये सारा काले डॉटेड रहेगा। ये जो हमारा पॉइंट आ गया इसका नाम हम दे देंगे सी, और सी पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इस तरह से हम इसको मिला देंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी लाइन बनेगी। इस तरह से ये आपकी लाइनें मिल गई है। ये पॉइंट आपका आ गया है डी। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हम इन लाइनों को डार्क कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी आंसर रेखा आ चुकी है। इस तरह से ये आपका वृत्त बन गया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे चाप लगा देनी है से जितना ये इधर को है, देखिए यहाँ पे उतना ये इधर को है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका कोण है x, ये आपका x कोण। इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो।